आखिर कौन है आसिक असीमोव जिनका जिक्र रोबोट मूवी में किया गया था? आखिर क्या है असीमोव के 3 Laws of Robotics? तो दोस्तों नमस्कार, सलाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बोलेगा स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। तो आज इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डायरेक्टर शंकर द्वारा तैयार की गई एक बेहतरीन मूवी फ्रेंचाइज जो कि साइंस फिक्शन जनर के एक सुपर पेशकश है। तो दोस्तों सुपरस्टार रजनीकांत की रोबोटिक मूवी एंथिरन उर्फ रोबोट जिसमें रजनी सर चिट्ठी के रोल और डॉक्टर वसीकरण के रोल को निभाते हैं। आज हम बात करेंगे रोबोट मूवी की डिटेलिंग के बारे में जो कि दोनों रोबोट मूवीज में देखने को मिली है। एंड दोस्तों यकीन मानिए सभी फैक्ट्स आपको बहुत ही ज्यादा शानदार लगने वाले हैं। तो दोस्तों चिट्ठी एक रोबोटिक कैरेक्टर है रोबोट मूवी का और इस मूवी में आसिक असीमोव नाम के इंसान को ट्रिब्यूट दी गई है जो कि असल में फादर ऑफ रोबोटिक्स है जिन्होंने 3 Laws of Robotics का निर्माण किया है। दोस्तों बता दो कि दुनिया में जितने भी रोबोट तैयार किए जाते हैं वो सभी रोबोट्स को इन 3 रूल्स को फॉलो करना ही होगा एक आइडियल रोबोट कहलाने के लिए और तीनों ही रूल्स का सेम कंसेप्ट है। आइए जाने कि वो क्या है 3 Laws of Robotics। सबसे पहला लॉ है कि अ रोबोट मे नॉट इंजर अ ह्यूमन बीइंग और थ्रू इन एक्शन अलाउ अ ह्यूमन बीइंग टू कम टू हार्म। यानी कि दोस्तों कोई भी रोबोट किसी भी इंसान को कभी भी कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। असीमोव का दूसरा लॉ ये कहता है कि अ रोबोट मस्ट ऑबे ऑर्डर्स गिवन टू इट बाय द ह्यूमन बीइंग्स एक्सेप्ट वेयर सच ऑर्डर वुड कॉन्फ्लिक्ट विद द फर्स्ट लॉ। यानी कि दोस्तों एक रोबोट को हमेशा ह्यूमंस के सभी ऑर्डर्स को फॉलो करना ही होगा लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो ऑर्डर्स असीमोव के पहले लॉ को नहीं तोड़ देते। तो दोस्तों बता दूं कि असीमोव का थर्ड लॉ ये कहता है अ रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इट्स ओन एग्जिस्टेंस एज लॉन्ग एज प्रोटेक्शन डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट द फर्स्ट और द सेकंड लॉ। जिसका मतलब है कि एक रोबोट को हमेशा ही खुद की रक्षा करनी चाहिए और वो भी इस तरह से कि वो अपनी रक्षा करते करते बाकी के 2 लॉज को कभी भी ब्रेक ना करे। चिट्ठी को भी इन सभी रूल्स को फॉलो करने के लिए ही तैयार किया गया था। तो दोस्तों आप ये बताइएगा कि आपके इस मूवी के बारे में और इस कंसेप्ट के बारे में क्या विचार थे हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और इसी के साथ खत्म करते हैं आज का सिलसिला कहने का कुछ अनकहा सुनने का कुछ अनसुना। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और साथ ही साथ शेयर करें और बॉलीवुड की सभी लेटेस्ट न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूले और जुड़े रहिए हमारे साथ बॉलीग्राड स्टूडियोज में। तो दोस्तों हमारे आज के राइटर हैं अभिषेक।